कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, उसके बाद मैं कभी सोचा भी नहीं था कि कभी यहाँ ऐसा होगा। हे गाइस, आई होप आप सब ठीक हो। वेल, एज यू कैन सी नाउ वी आर इन द वाटर लॉक्ड कंडीशन। ये हमारी ग्राउंड फ्लोर है और ये पानी से भर चुका है। पानी का लेवल ऑलमोस्ट फ्लोर से 2 to 2.5 feet का तो होगा ही। इसके बाद और भी हाइट बढ़ा था, पर फ़िलहाल तो सब कुछ तैर रहा है पानी में। मतलब टी टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके फर्स्ट फ्लोर में चीज़ें शिफ्ट करने की। फ्रिज के अंदर भी ये गंदा पानी घुस गया था, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ तो हम नहीं ले पाए। धीरे धीरे तो पानी का लेवल भी बढ़ रहा था और यहाँ पे मम्मी पापा ट्राई कर रही है कैसे ओवन डिटच किया जाए सिलेंडर से और कैसे ऊपर किया जाए, उसी का डिस्कशन चल रहा था। किचन में नीचे वाला जो कैबिनेट्स और ड्रायर्स है उन सभी में पानी भर चुका है। इस टाइम ना हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या चीज़ हमें हटाना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बाहर का सिचुएशन भी दिखा देती हूँ। बाबा का बाइक पूरी तरह से डूब चुका है, इससे आप वाटर लेवल का आइडिया लगा सकते हैं। तब घर में ज़्यादा कुछ था नहीं, पर जितना भी आलू और प्याज थे वो पानी के अंदर डूब चुका था, तो मैं और मम्मी इसी तरह से कलेक्ट कर रहे थे। एक्चुअली हमें लगा था इसके ऊपर पानी जाएगा नहीं, तो हम यहाँ तो आप देख सकते हैं चप्पल भी तैर रहा है, हर एक चीज़ तैर रहा है। तो जितने भी कंटेनर थे वो हम काउंटर टॉप में रख रहे थे, पर कुछ देर बाद ये सब कुछ पानी के अंदर जा चुका था। यहाँ नीचे वाले कैबिनेट्स का जो डोर्स और ड्रायर्स है वो सब कुछ खुल गया था, पर हड़बड़ी में हमने नोटिस नहीं किया, इसलिए माँ बाबा और मुझे पैर में बहुत जगह पे चोट भी लग गए थे। वाटर लेवल जितना बढ़ रहा था चीज़ें भी हम उतनी ऊंचाई में रखने की कोशिश कर रहे थे। वेल, ये है हमारी दूसरा फ्रिज। एक्चुअली हमारे दो फ्रिज है, एक फ्रिज में वेज फूड रहता है और दूसरे फ्रिज में नॉन वेज। और यहाँ से हम जो पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं वो हटा रहे हैं, मतलब जिसमें गंदा पानी नहीं गया है, ड्राई है। एक्चुअली आज मकबैंग वीडियो शूट करने का प्लान था और मम्मी आज रसमलाई बनाने वाली थी, तो इसीलिए पापा सुबह ले आए थे 10 packets दूध। इसका भी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि फ्रिज तो अभी बंद है, पानी से भरा हुआ है। अभी इस डिस्पेंसर में हम ड्रिंकिंग वाटर भर के ले जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो वाटर प्यूरीफायर है वो भी ग्राउंड फ्लोर में रहता है। वैसे उसमें गंदा पानी तो गया नहीं, पर हर बार नीचे आके इस तरह से ड्रिंकिंग वाटर लेके जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम एक ही डिस्पेंसर में पानी भर के ऊपर ले जा रहे हैं। जिनिसगुलो निये छाने जाच्छे तो घर के अंदर कभी इस तरह से चलना पड़ेगा विश्वास ही नहीं हो रहा था। इस स्टेयर्स के ज़रिए हम वाटर लेवल मेजर कर रहे थे। रात में तो आप ये जो देख रहे हैं इससे और भी 2 steps वाटर लेवल बढ़ गया था। हम्म,
जैसे कि आप देख सकते हैं, हम सभी मिलकर कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके ग्राउंड फ्लोर से चीज़ ऊपर शिफ्ट करने की, पर नहीं पता कितना हो पाएगा, क्योंकि हमें जब खबर मिला उसके 20 मिनट्स के अंदर ही कमर तक पानी आ गया है, तो बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी पानी घुस चुका है मतलब। और ये फर्स्ट टाइम है जब हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, इससे पहले मैं कभी सोचा भी नहीं था कि कभी यहाँ ऐसा होगा। तो अभी 12 बज रहा है और मम्मी अब लंच बनाएंगी इसी सेटअप में, दाल चावल ही बनेगा क्योंकि अभी दादी है और दादी का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उन्हें जल्द लंच देना पड़ता है। तो फिलहाल अब लंच बनाया जाएगा, फिर हम फिर से नीचे जाएंगे, जितना हो सके चीज़ें ऊपर उठाएंगे, और मम्मी हर रोज़ कुछ स्ट्रीट डॉग्स और बिल्लियों को खाना खिलाती है, उन्हें अभी स्टेयर्स में रखा गया है, फिर उन्हें छत पे रखा जाएगा, तो वो भी सेटअप करना है। बिजली भी चली गई है, पूरा घर पानी से भर गया है, तो बिजली रहेगा भी नहीं। हमारा इन्वर्टर भी ग्राउंड फ्लोर में रहता है, तो उसके अंदर भी पानी जा चुका है, इसलिए हमने ऑफ कर दिया, सेफ है राइट। तो फिर हमें कैंडल भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है कहाँ रखा है वो, अब मिल पाएगा भी या नहीं, तो शाम में तो सब कुछ अंधेरा हो जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके सनलाइट रहते हुए काम कंप्लीट करने की, फिर देखते हैं। मैं भी कोशिश करूँगी आपके साथ जितना हो सके शेयर करने की। तो अभी मम्मी लंच बना रही हैं, यहाँ पे हो रही है पालक दाल, आलू भरता और राइस। और भी कुछ सब्जियाँ हम फ्रिज से ला के रखे हैं, पर हमें तो अभी थोड़ा थोड़ा करके ही खाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कब तक ये सिचुएशन रहेगा, कब हमें बाहर से खाना मिलेगा, कब सिचुएशन थोड़ा बेटर होगा, कब हम नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाएंगे। यहाँ टावल के साथ धूप में सीपीयू भी सुखाया जा रहा है, और ये है वो 10 पैकेट दूध जो फ़िलहाल स्ट्रीट डॉग्स और बिल्लियों के लिए उबाल के रखा गया है, क्योंकि उनके लिए और कुछ भी घर पे नहीं है। यूजुअली उन्हें फ़िश दिया जाता है, पर अभी तो नहीं है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा हमें। अभी माँ दादी को लंच दे रही है, यहाँ किसी को ड्रिंकिंग वाटर या फिर खाना लगेगा या नहीं ये जानने के लिए रिलीफ आए हैं। ये रहा हमारा घर, आप देख सकते हैं 20% तो पानी के अंदर ही जा चुका है, और यहाँ पे बाबा का बाइक भी ऑलमोस्ट डूब चुका है। लंच ख़त्म करके हम आ गए हैं ये सारी जो चीज़ है वो थोड़ा ऑर्गेनाइज करने, क्योंकि फ़िलहाल तो हमें यही रहना है। तो हमने सोचा कि इस रूम में हम रहेंगे और यहाँ पर ही कुक किया जाएगा, और मेरी वाली रूम में जो थोड़ा शांत है, जहाँ ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, वहाँ दादी को रखा जाएगा। पर हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि सनसेट से पहले ये काम कंप्लीट किया जाए। काम करते वक्त हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे कि इतनी गर्मी थी तो बिना इलेक्ट्रिसिटी में हम कैसे रहेंगे, स्पेशली दादी के लिए तो चिंता हो रही थी, और कैसे ड्रिंकिंग वाटर और डेली यूजेस के जो वाटर है वो कैसे प्रिजर्व किया जाएगा। मोबाइल पे चार्ज भी ख़त्म हो रहा था, मोबाइल पे चार्ज ख़त्म होने पर हम और किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। लकीली पावर बैंक तो फुल्ली चार्ज्ड था, पर वो भी कब तक चलेगा। इन सारी चीज़ों को लेके हम सभी मन ही मन परेशान थे, पर कोई भी किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, अब कर भी क्या सकते। थोड़ा बहुत क्लीन करने के बाद किचन का जो सामान है वो हम इस रूम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
अभी शाम होने वाला है और मम्मी जा रही है गेट खोलने, क्योंकि एक अंकल आए हैं उनके दोस्तों को लेके हमें कुछ फूड और ड्रिंकिंग वाटर देने। और हमारे ये दो फ्रिज और वॉशिंग मशीन फर्स्ट फ्लोर में उठाने में भी हमें बहुत हेल्प किया, क्योंकि जितनी देर तक पानी में रहता उतना ज़्यादा ख़राब होने का चांसेस बढ़ जाता, पर हम लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं था, तो अंकल ने आके बहुत हेल्प किया। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी फ्रिज और वॉशिंग मशीन को हमने ऊपर उठा लिया है। अभी तो अंधेरा हो चुका है और मम्मी डिनर प्रिपेयर कर रही हैं। डिनर में दादी के लिए बन रहा है रोटी। दादी हमेशा रात में रोटी और दूध खाती हैं। आज तो दूध है, पर कल से क्या होगा पता नहीं। और हमारे लिए मम्मी बना रही है आलू भाजी। आलू भाजी और सलाद हम पफ्ड राइस के साथ मिक्स करके खाएंगे। बस यही है आज का डिनर। वैसे ही गर्मी है यहाँ पे, ऊपर से मोमबत्ती जल रही है, इसीलिए घर का टेम्परेचर और भी बढ़ गया है। तो इसलिए हमने मम्मी को कम से कम कुक करने के लिए ही बोला है। सिर्फ दादी रोटी के सिवा और कुछ नहीं खाती, इसलिए दादी के लिए ही रोटी बन रही है। मैं कोशिश कर रही थी कैमरा थोड़ा घुमा के दिखाने की, पर अंधेरा ही अंधेरा है तो मैं दिखा नहीं पाई आपको। तो इसी तरह से हमारा दिन गुजर रहा है। लाइफ कितना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में किसी को डाल सकता है, उसका अंदाज़ा मुझे लास्ट 2 ईयर्स में हो गया है। इन 2 सालों में मैंने जितना खुशी देखी है, उससे कई ज़्यादा गम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और डर का सामना किया है मैंने। एंड गाइस, इसीलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे यही मैसेज शेयर करना चाहती हूँ कि सिचुएशन जो भी हो, अपनों के साथ रह के हमें वो डट के सामना करना चाहिए, और वो सिचुएशन से हमें जो सीख मिल रही है वो भी हमें याद रखना चाहिए। तो गाइस, आप भी सेफ रहना, खुश रहना और अपनों के साथ मिलजुल के रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। বাবা প্লেটটা দাও তোমার।